नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में आप देख रहे हैं लिमटी की लालटेन। मैं हूं लिमटी खरे। आज हम बात करते हैं दुनिया के चौधरी अमेरिका। माना जाता है कि अमेरिका दुनिया का चौधरी, दुनिया का मुखिया है, और अमेरिका की बादशाहत आज पूरी दुनिया में कायम है। लगभग दो शताब्दियों से पूरी दुनिया पे अगर किसी का एक छत्र राज्य है, किसी की एक छत्र चलती है, तो वो है अमेरिका। और अमेरिका का जो सबसे ताकतवर व्यक्ति, ताकतवर शख्सियत मानी जाती है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 12 अक्टूबर 1492 में की गई थी। इसके बाद यूरोप में अमेरिका सुर्खियों में आया। कहा जाता है कि कोलंबस के बहुत पहले वाइकिंग कहे जाने वाले नार्स जाति के लोग अमेरिका में बस्तियों की स्थापना कर चुके थे। आइसलैंड की कथाओं के अनुसार 908 में एरिक द रेड के नेतृत्व में नार्स लोगों के द्वारा दक्षिणी ग्रीनलैंड में अपने कबीलों की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1300 में इन बस्तियों को उजाड़ दिया गया था। न्यू फाउंडलैंड के नार्स आक्सस मेडोज में पाए गए पुरातात्विक अवशेषों से नार्स बस्तियों की के होने के प्रमाण मिलते हैं। अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण स्थल व्हाइट हाउस माना जाता है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास है। इसकी नींव 1792 में रखी गई थी। इसे जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा बनवाया गया था जब वे राष्ट्रपति थे, पर यह उनका दुर्भाग्य था कि वो उसमें बनवाने के बाद बतौर राष्ट्रपति खुद रह नहीं पाए। इस अमेरिका का जो राष्ट्रपति का निवास व्हाइट हाउस कई बार चर्चाओं में आया। सबसे अधिक चर्चाओं में बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के प्रेम प्रसंगों के कारण आया। इस व्हाइट हाउस ने सदियों में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। इस व्हाइट हाउस के अंदर अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा भी रह चुके हैं। 200 सालों तक इस पूरे विश्व में व्हाइट हाउस का जलजला, व्हाइट हाउस का दबदबा पूरी तरह कायम है। 8 साल बन गए लगे इस व्हाइट हाउस को बनने में। व्हाइट हाउस का नामांकरण जो नाम दिया गया वो अलग अलग रूप से किया जाता है, उसके बारे में अलग अलग कथाएं प्रचलन में हैं। कभी इसे प्रेसिडेंट पैलेस, तो कभी प्रेसिडेंशियल मेंशन, तो कभी प्रेसिडेंट हाउस के नाम से पुकारा जाता रहा है। सन 1811 में पहली बार व्हाइट हाउस के नाम से इसे पुकारा गया। इसके निर्माण में लगभग 600 कामगारों का उपयोग किया गया। बताते हैं कि दो तिहाई से अधिक कामगार गुलाम हुआ करते थे, जिन्हें $60 प्रति साल के हिसाब से मेहनताना दिया जाता था। इस इमारत की नींव 13 अक्टूबर 1792 में रखी गई थी। जॉर्ज वाशिंगटन की देखरेख में 1800 तक चले इसके निर्माण के बाद भी जॉर्ज वाशिंगटन इसमें रह नहीं पाए। व्हाइट हाउस में रहने वाले पहले राष्ट्रपति जॉन एडम्स थे। अमेरिका गणराज्य में पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने पोलो मैक नदी के किनारे पेंसिल्वेनिया एवेन्यू नाम की एक जगह का चयन किया था। इस जगह का चयन दिसंबर 1790 में किया जाकर एक कानून पारित कराकर इसके निर्माण की बुनियाद रखी गई थी। इस विशाल भवन को बनाने वाला, जिसकी देखरेख में सारी तकनीकी और डिज़ाइन तैयार की गई, भवन का निर्माण कराया गया, वो आयरिश नक्शेकार जेम्स हावन थे। कुल 9 प्रस्तावों के चयन के उपरांत हावन को बेहतरीन डिज़ाइन के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित भी किया गया था। विश्व भर में सबसे ताकतवर माने जाने वाली शख्सियत
अमेरिका के इस सरकारी निवास में रहती है। इसमें समय समय पर कुछ तब्दीलियां भी कराई जाती रहीं। 1805 में तत्कालीन राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने इसमें कुछ अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया था। 1814 में ब्रिटिश सेना के द्वारा इसके कुछ हिस्सों को जमींदोज भी कर दिया गया था, आग के हवाले कर दिया गया था। 1817 में तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने इसकी मरम्मत का कार्य कराया। 1929 में आग के चलते इसके पश्चिमी हिस्से में काफ़ी हद तक क्षति भी पहुंची थी। व्हाइट हाउस को अमेरिका की जनता के लिए बीच बीच में खोला भी जाता रहा। वहाँ के हुक्मरानों की इच्छा के अनुसार इसे खोला जाता था। सबसे पहले थॉमस जेफरसन ने 1805 में पदभार ग्रहण करते समय यहाँ की रियाया को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया था। व्हाइट हाउस वैसे तो सदा से ही चर्चाओं में रहा है, पर सबसे अधिक चर्चा में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के प्रेम प्रसंगों के कारण आया। उन दोनों के प्रेम प्रसंगों को लेके तरह तरह की बातें, तरह तरह की कहानियाँ प्रचलन में आईं। काफ़ी सारे लेखकों ने तो इनके प्रेम प्रसंगों पे कपोल कल्पित कहानियाँ लिख के उन्हें किताब की शक्ल दी, और इससे उन्होंने मोटी कमाई उनको हुई, क्योंकि हर आदमी दुनिया के चौधरी अमेरिका के राष्ट्रपति के संबंध में, उसकी निजी जिंदगी के संबंध में जानने का बहुत इच्छुक था। 18 एकड़ के लगभग इस अमेरिका के राष्ट्रपति के आवास में लगभग 168 फिट लंबाई और 137 फिट चौड़ाई में भवन का निर्माण किया गया है। ये दक्षिण दिशा में 70 फिट तो उत्तर दिशा में 60 फिट ऊंचा है। इसकी बाहरी दीवारों पर सफ़ेद रंग किया गया है, और इसको रंगने के लिए लगभग 300 गैलन पेंट का उपयोग किया जाता है। इस भवन में कुल 132 कमरे हैं। यहाँ 16 बेडरूम बनाए गए हैं, एक मुख्य रसोई घर, एक आहार रसोई घर, 35 बाथरूम गुसलखाने इस भवन के अंदर हैं। इस पूरे भवन को आपस में गलियारे से जोड़ा गया है। इन गलियारों में किसी सिरे पे विश्राम गृह है, तो किसी सिरे पे राष्ट्रपति का कार्यालय है, किसी सिरे पे भोजन कक्ष है। विश्व के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के अंदर, ऐसा नहीं कि सेंध नहीं लगी, यहाँ सेंध कई बार लग चुकी है। 1974 में अमेरिका आर्मी का एक हेलीकॉप्टर चोरी हो गया था, और वो हेलीकॉप्टर इस भवन के परिसर के अंदर उतारा गया था, तो बहुत तहलका मचा था उस दौरान, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तहलका मचा था। इसके अलावा 20 मई 1994 में एक उल्का विमान इस भवन के ऊपर से गुजरा भी बताया जाता था। इसके बाद 1995 आतंकवादी में की आतंकवादी घटनाओं, और 11 सितंबर 9/11, जिसे हम 9/11 के नाम से जानते हैं, की घटना के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की इस रिहायश को बख्तरबंद बहुत तरीके से सुरक्षित कर दिया गया है। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे अनेक आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति की नीतियाँ, अमेरिका के प्रथम नागरिक की नीतियों, देश के पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर देश के प्रथम पुरुष की नीतियों, उस देश की नीतियों के कारण ये 200 साल तक पूरी दुनिया पे अपना दबदबा कायम रख पाया है। आने वाले समय में नीतियाँ किस तरह की होंगी कह नहीं सकते। हो सकता है भावी राष्ट्रपतियों की नीतियों के कारण ये और बुलंदियों की ओर जाए, या ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में इन्हीं नीतियों के कारण
जिन नीतियों के कारण ऊपर राष्ट्रपति अमेरिका का दर्जा पूरे विश्व में काफ़ी ऊपर माना जाता है, उन्हीं नीतियों के कारण अगर गलत नीतियां हो जाती हैं तो अमेरिका का दबदबा कम भी हो सकता है। जैसे अभी फिलहाल कुछ देश अमेरिका को आंख दिखाते दिख रहे हैं, अगर ये स्थितियां रहीं तो अमेरिका विश्व में अपना दबदबा खो भी सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।